बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेट थ्योरी। इट इज सेक्शन वन ऑफ पेपर वन ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट टू, दैट इज एडवांस एनालिसिस। तो सेट थ्योरी का पोर्शन हम करेंगे और इन जनरल काफी सारी चीजों को ये कवर करेगा, तमाम यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को। लेक्चर टू है हमारा इस सिलसिले में और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट सेट्स। तो इनको हम प्रिसाइसली डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इसके रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सेट्स, टू सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स या इक्विपोटेंट सेट्स, सेम नाम है तो इसको हमें डिफाइन करना है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू हैव are said to be equivalent or equipotent, are said to be equivalent or equipotent written as, यानी अगर ये equivalent या equipotent हो जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप ये डबल टिल्डा की नोटेशन यूज करेंगे। कुछ जगहों पे सिंगल भी यूज कर लिया जाता है। तो ये नोटेशन जब सेट्स के दरमियान आए तो व्हाट डज इट मींस, इट मींस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट। इफ देर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम A to B, which is bijective, which is bijective, that is both 1-1 and onto. Or 1-1 means injective and onto means surjective, okay? तो दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके दरमियान सिंपली एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, यानी आप उनके दरमियान एक फंक्शन ऐसे एग्जिस्ट करके दिखवा दें कि जो बाइजेक्टिव हो, यानी एक ऐसी मैपिंग हो जो 1-1 भी हो और onto भी हो, okay? तो इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट सेट्स ये अल्टरनेट नेम्स हैं और ये सेम कॉन्सेप्ट को ही शो करते हैं। और इसमें क्या चीज है, सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, आप एक ऐसा फंक्शन जनरेट कर दें जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इससे रिलेटेड एक रिजल्ट हम करेंगे। थ्योरम, थ्योरम है हमारे पास थ्योरम द रिलेशन डबल टिल्डा। अब डबल टिल्डा दो सेट्स के दरमियान कौन सा रिलेशन शो करती है, इक्विवेलेंट टू या इक्विपोटेंट टू, ठीक है? द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विपोटेंट, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विपोटेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी collection of sets, in any collection of sets, prove that, यहां ये होना चाहिए, prove that the relation of being equipotent, और या आप इसको equivalent भी कह सकते हैं, equivalent slash equipotent is an equivalence relation in any collection of sets।
तो हम इसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे हमारी मुराद क्या है। सबसे पहले हम याद करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था। इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज, जो रिलेशन है किसी भी सेट के ऊपर वो बेसिकली उसका कोई सबसेट ही होता है। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है? अगर आप कहते हो कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, इट मींस R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, वो A क्रॉस A का कोई सबसेट है। अब वो किस अंदाज में सबसेट लेना है, उसमें वो पेयर्स लेंगे, वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे से क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। या जबरा में चीजें आपने बड़ी डिटेल में देखी होंगी। उसके बाद डेफिनेटली वो जो R बनेगा हमारे पास वो A क्रॉस A का कोई सबसेट ही बनेगा। अब वो जिस तरतीब में आपने वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने हैं वो R की नेचर आपको बताएगी, ठीक है, कि आपने वो कौन से ऑर्डर पेयर्स उसमें चूज करने होंगे। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब ये रिफ्लेक्सिव हो, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। व्हाट डज इट मींस? कि जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है वो ऐसा हो कि उसके तहत हर एलिमेंट अपने आप के साथ क्या कर जाए, रिलेट कर जाए। सेकेंडली इट मस्ट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या? दैट इज इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी तमाम ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए अगर A इज रिलेटेड टू B की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वहां से B रिलेटेड टू A भी निकल आए। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, दैट इज इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन A इज रिलेटेड टू C, यानी अगर A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है तो पहला और तीसरा एलिमेंट आपस में क्या कर जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे। तो किसी भी सेट पे रिलेशन अगर इन तीन कंडीशंस को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए तो आप वहां से क्या कहते हैं, वहां से आप क्या कहते हैं कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल, रिलेशन की कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, तो इसमें आप रिलेशन डिफाइन करें, डिफाइन रिलेशन ऑन आर एज लेस देन और इक्वल। हम लेस देन और इक्वल का रिलेशन डिफाइन करते हैं। फिर ये जो आर का वो सबसेट ही होगा ना, जो रिलेशन होगा, अगर हम उसको सिंपल आर कह दें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन आर, ये आर रियल नंबर वाला आर है और ये रिलेशन वाला आर है, तो ये आर फिर क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? इस अंदाज में एलिमेंट्स होंगे कि वो आर क्रॉस आर से आ रहे होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, तो ये रिलेशन बनेगा। यानी तमाम वो ऑर्डर पेयर्स जिनका पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या होगा, लेस और इक्वल होगा, तो ये आर जो है ये एक रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। हमारा टारगेट क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कलेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट टू या इक्विपोटेंट टू, ठीक है। व्हाट डज इट मींस? कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है, इसमें आर्बिट्रेरी कोई भी सेट्स पड़े हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी, तो इस पे रिलेशन एक डिफाइन है ऐसे कि किस अंदाज में कोई से दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे, इसके एलिमेंट सेट्स की फॉर्म में है, तो ये किस अंदाज में रिलेट करेंगे कि जब आप कहें कि ए इज रिलेटेड टू बी, इट मींस there exist a function f from a to b that is bijective, क्योंकि उसने क्या कहा है कि a related to b, यहां पर क्या होना चाहिए, equipotent हो, यानी relationship कौन सी है दो elements की, जो कि अगर एक element दूसरे के equipotent हो जाए
तो वो पहला वाला एलिमेंट दूसरे के इक्विपोटेंट हो गया तो वो उससे रिलेट कर जाएगा। रिलेशन इस अंदाज में हमने चूज किया हुआ, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट। तो इस केस में यहां पर ये रिलेशन दिया जा रहा है, यानी इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि जब भी आप कहोगे कि ए बी से रिलेट कर रहा है, इट मींस ए बी के इक्विवेलेंट है, विच मींस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज बाइजेक्टिव। तो ये कहता है कि ऐसा रिलेशन जो है, ठीक है, उसको क्या साबित करें, साबित करें कि ऐसा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी किसी भी कलेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर अगर मैं इक्विवेलेंट टू या इक्विपोटेंट टू का रिलेशन डिफाइन करूं तो वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, तो हम इसको टेक्निकल वे में लिखेंगे। लेट स्टाइलिश ए बी एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स। स्टाइलिश ए कोई भी कलेक्शन ऑफ सेट्स है आपके पास। अब इस कलेक्शन ऑफ सेट्स पे एक रिलेशन डिफाइन करना है और उस रिलेशन के तहत इस कलेक्शन के एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे। किस अंदाज में, कि सच दैट कि अगर आप कहें कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है, इट मींस उस पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट है। लेट्स स्टाइलिश ए बी एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन स्टाइलिश ए एस ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी। यही बात कि रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंट टू वाला, यानी लाजमी नहीं है कि इस रिलेशन के तहत सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर जाए। हो सकता है दो ऐसे सेट्स आपको मिलेंगे जिनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग ही ना बनती हो, तो सिर्फ वो रिलेट करेंगे जिनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग बनती है। इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए हम शाम सीरीज की सेट थ्योरी की बुक यूज कर रहे हैं। वहां पर अगर आप इसका प्रूफ देखें तो जस्ट एक लाइन में चीजें उसने लिख दी है, बट ऑफकोर्स वी नीड टू फिल अप ऑल दोज गैप्स। तो हम इसको कंप्लीट वे में देखेंगे कि कैसे इसको लेकर चलना है। टू प्रूव आर, ये जो आर है ये क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम साबित करेंगे कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर को रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि इस रिलेशन के तहत हर एलिमेंट अपने आप से क्या कर जाता है, रिलेट कर जाता है। यानी अगर मैं इस स्टाइलिश ए वाली कलेक्शन से कोई एलिमेंट चूज करूं तो ये एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, यानी ये एलिमेंट अपने आप की इक्विवेलेंट हो, यानी इस एलिमेंट से लेकर इसी एलिमेंट तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। तो हम फिर हमें एक फंक्शन बनाना है बेसिकली ए से लेकर ए तक जो कि बाइजेक्टिव हो। तो किसी भी सेट से लेकर उससे अपने तक जो फंक्शन होता है, सिंपलेस्ट जो फंक्शन बन सकता है वो सेल्फ मैपिंग या आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तमाम एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी हर एलिमेंट अपने आप पे क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो हम साबित करेंगे ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। एफ इज वन वन, तो वन वन फंक्शन मैं बड़ा क्विकली उसको रिवाइज कर देता हूं कि वन वन फंक्शन क्या चीज है। वन वन फंक्शन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन वन इफ एंड ओनली इफ
ऑल द डेफिनेशंस आर इफ एंड ओनली इफ काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. हर डेफिनेशन का कन्वर्स ट्रू होता है. इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एक्स, ऑफ कोर्स फंक्शन है तो एक्स के कोई हर एलिमेंट की इमेज यहां मौजूद होगी, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई. कोई भी फंक्शन वन कब है कि एक्स में कोई से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर लिए जाएं, ठीक है, तो उनकी इमेजेस भी हमेशा डिस्टिंक्ट रहेंगे. मैथमेटिकली अगर जब वन वन प्रूफ करना हो ये तो उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हो गई ना. मैथमेटिकली व्हाट डज इट मींस, मैथमेटिकली आप क्या बताया करेंगे, लेट एक्स वन एक्स टू, कोई से दो के लिए भी बात कर दे तो इन जनरल बात हो रही है, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी सच दैट x1 is not equals to x2. Then, अगर इस assumption को use करते हुए आप ये प्रूव कर दें कि इनकी images भी distinct हैं, तो आपका function क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा. If we show this, then f will be 1-1. एक अल्टरनेटिव तरीके का भी होता है. अल्टरनेटिवली आप क्या करते हो वन वन प्रूफ करने के लिए कि इसी की काउंटर पॉजिटिव लॉजिक अगर आप लगा लो, यानी अगर p के होने से q हो रहा है तो नॉट q के होने से नॉट p होगा. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल x बी सच दैट, कि अगर इसकी काउंटर, इसकी नेगेशन क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ इमेजेस कोई से भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के ऊपर इमेजेस बराबर है, ठीक है. देन सम हो अगर आप ये प्रूफ कर दें कि एक्स वन और एक्स टू भी बराबर हैं, इफ वी शो दिस, अगर हम ये साबित कर दें तो आपका एफ क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा. तो नॉर्मली यही दो तरीके का इस्तेमाल होते हैं किसी फंक्शन को 1-1 प्रूफ करने के लिए, कि या तो कोई से भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज करके उन पे इमेजेस को डिस्टिंक्ट शो कर दिया जाए, या कोई से भी दो एलिमेंट्स पे इमेजेस को इक्वल मानकर वहां से प्री इमेजेस को भी इक्वल शो कर दिया जाए. तो हमने इसी अंदाज में 1-1 प्रूफ करना है. एफ इज 1-1, ओके. तो हम लेते हैं कोई से दो एलिमेंट्स, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी सच दैट, दो एलिमेंट्स चूज करें कि सच दैट उनके ऊपर एलिमेंट्स इमेजेस को बराबर रखें. अब एफ ऑफ एक्स वन कितना है, आइडेंटिटी मैपिंग के तहत उसका आंसर एक्स वन होगा और इसका आंसर एक्स टू होगा. इसका मतलब है कि जब आपने इमेजेस सेम रखी तो प्री इमेजेस भी सेम आ गई. इसका मतलब है एफ इज 1-1. तो एफ आपका 1-1 हो गया. नेक्स्ट एफ इज ऑन टू या सब्जेक्टिव. मैं वेरी क्विकली सब्जेक्टिव फंक्शन को भी डिफाइन कर दूं कि सब्जेक्टिव फंक्शन क्या चीज होती है. फिर हम सब्जेक्टिव फंक्शन, आ फंक्शन एफ फ्रॉम x to y is surjective ya onto if every element, if for every element y belongs to capital Y there exists some element x belongs to capital X such that f of x is equal to y. यानी what does it means? Definition ये कहती है कि अगर a से b तक एक function है, ठीक है, ये onto कब होगा, a से b तक कर लें या x से y तक, जब आप codomain से कोई भी element choose करें y, तो इसके बदले में एक element यहां पर मिले सच दैट के ये जो एक्स है इसकी इमेज क्या हो, वाई हो. यानी
कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद हो डोमेन में, या दूसरे शब्दों में को डोमेन का हर एलिमेंट मैपिंग में हिस्सा ले रहा हो। तो इसका एक मतलब यह भी बन सकता है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज का मेंबर है, और रेंज का हर मेंबर तो कोडोमेन का एलिमेंट होता ही होता है, यानी कि ये जो रेंज सेट होगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल वाई। तो बेसिकली जब आपने फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है तो आपने ये इक्वालिटी शो करनी है। अब ये दो सेट्स हैं बेसिकली। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं डीपली। एफ ऑफ एक्स इज द रेंज सेट ऑफ फंक्शन है, यानी इसमें वो तमाम वाई मौजूद हैं कैपिटल वाई के जो किसी ना किसी एक्स के इमेजेस हैं, और वो एक्स कहां से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है, ठीक है। तो आपने अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो इन दोनों सेट्स को इक्वल लाना है। अब दो सेट्स को इक्वल लाने के लिए आप एक सेट को दूसरे का सबसेट शो करते हैं, यानी जो अब एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स जो है ये तो हमेशा वाई का मेंबर होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेशन से क्लियर है। तो करने वाली चीज क्या हुआ करेगी, जो इसमें नॉन ट्रिवियल पार्ट हुआ करेगा वो ये हुआ करेगा कि यू मस्ट शो कि वाई इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी वाई का हर एलिमेंट एफ ऑफ कैपिटल एक्स का मेंबर। ये बेसिकली यानी यहां से आप अगर एलिमेंट चूज करें तो समहाउ आप ये प्रूफ करें कि वो y f ऑफ कैपिटल x से बिलोंग करता है, यानी इस y के लिए x में एक स्मॉल x मौजूद है कि जो अंडर द फंक्शन f मैप हो जाता है y के ऊपर। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल वे आउट ऑफ प्रूविंग सर्जेक्शन ऑफ ए फंक्शन, व्हाट इज द मैथमेटिकल वे आउट ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर मैथमेटिकल प्रोसीजर ऑफ शोइंग द सब्जेक्शन ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन की सब्जेक्शन को प्रूव करने का जो मैथमेटिकल तरीकेकार है, ठीक है, यानी अगर फंक्शन है x से y तक, ठीक हो गया, तो आप क्या करोगे, आप एक एलिमेंट सपोज करोगे कैपिटल y से, be such that let y belongs to capital y be such that के under f वो किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है, और यहां से इस सपोजिशन को यूज करते हुए क्या साबित कर दोगे कि ये x डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी अगर कोई y को डोमेन का जो है वो अंडर द फंक्शन f किसी एलिमेंट की इमेज है तो वो एलिमेंट जिसकी वो इमेज है वो लाजमी डोमेन से आ रहा है। तो दिस इज द मैथमेटिकल वे आउट ऑफ प्रूविंग द सब्जेक्शन ऑफ ए फंक्शन, जो कि नॉर्मली बुक्स में डायरेक्ट कर दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है सच। तो हम तमाम थ्योरम्स के अंदर इसको लगाएंगे, वरना आमतौर पर एक बहुत लगा बंदा सा फिक्रा लिख दिया जाता है सब्जेक्शन के लिए। तो एफ इज ऑन टू लेट वाई बिलोंग्स टू, जाहिर है इसकी कोडोमेन ऑफ स्मॉल कैपिटल ए है, बी सच दैट, अब हम वही मैथमेटिकल प्रोसीजर करेंगे कि वो किसी एक्स का इमेज है अंडर एफ। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स के बराबर है, इसका मतलब है एक्स और वाई बराबर हो गए। अब ये वाई जो था, क्योंकि देखिए यहां तक, यहां से हमने आगे क्या शो करना है, टू प्रूव एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ये एक्स इस ए से आ रहा है, अगर आप y इस a से लेते हो तो उसके बदले में एक x यहां मौजूद है। As f of x is equal to y, it implies x is equal to y. Since y was an element of a and y is equal to x, तो x को भी एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है इस सपोजिशन के तहत आपने प्रूव कर दिया कि x is an element of a, it implies f is on to That is, f is bijective, क्योंकि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, hence a is related to a under the given relation, या a is equipotent to a, तो वो आपका relation क्या हो गया, आपका relation reflexive हो गया। अब हम somehow proof करते हैं कि
आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है। R is symmetric. Let symmetric में क्या assumption होगी कि उस collection of sets में से कोई से दो sets लिए जाएं ऐसे कि जिसमें पहला दूसरे से relate कर रहा हो। तो आपने क्या साबित कर देना है कि अगर पहला दूसरे से relate कर रहा है तो दूसरा वाला भी पहले से relate कर रहा है। Be such that A is related to B. To prove B is related to A. As A is related to B. अगर A B से relate कर रहा है इसका मतलब एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ए से बी तक। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी विच इज बाइजेक्टिव, जो कि क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, साबित क्या कर देना है कि बी से ए तक भी एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन। अब हम एक फंक्शन क्लेम करते हैं बी से ए तक, हमें लेना पड़ेगा और साबित करेंगे और उसमें हम ये एफ फंक्शन की कंडीशंस को यूज कर लेंगे ताकि आप जी की बाइजेक्शन को साबित कर सकें। अब ए से बी तक एक मैपिंग थी, जो कि एफ था और ये बाइजेक्टिव थी। हम बी से ए तक भी एक मैपिंग ले रहे हैं, इसको हम जी कह देते हैं। और कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि g of x is equals to y if and only if f of y is equal to x, यानी यहां का कोई भी एलिमेंट जो है, सॉरी अब b से a तक आएंगे ना, तो b में अगर x पड़ा हुआ है तो इस x की जो इमेज है वो y है और y जो है वो क्या है g of x के बराबर है। ये काम सिर्फ तब होगा, फंक्शन की कंडीशन क्या है कि जब अब ये y क्योंकि a का एलिमेंट है और f a से b तक फंक्शन है तो f ऑफ y भी कुछ होना चाहिए, तो वो f ऑफ y भी कितना होगा x होगा। बेसिकली हम इनवर्स फंक्शन की कंडीशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहां का एलिमेंट वहां जिस पे मैप हो रहा है, आप एक ऐसा कानून बना दें कि वही वाला एलिमेंट यहां पर मैप हो रहा हो यूनिक वे में। ठीक है, यानी किसी भी x की अंडर g इमेज y कब होगी, जब y की इमेज अंडर f x होगी, क्योंकि अब f a के एलिमेंट्स पे काम करेगा और a y जो है वो a से आ रहा है, तो f ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू x। ये हमने इस पर कंडीशन इंपोज कर दी, g इज 1 1, यानी लेट सपोज अगर आपके पास 1 बिलोंग करता है b से तो g ऑफ 1 अगर 2 है ऑफकोर्स 2 बिलोंग करेगा a से, तो ये इफ एंड ओनली इफ ये काम सिर्फ कब होना चाहिए जब f ऑफ 2 1 के बराबर हो और नाउ 1 मस्ट बी इन b। g इज 1 1, तो कोई दो एलिमेंट्स लेने डोमेन पे such that कि उनके ऊपर इमेजेस जो है वो क्या है बराबर है। अब g of x y is equal to g of x 2, g of x y किसी y 1 के बराबर होगा और g of x 2 किसी y 2 के बराबर होगा, और अगर ये y 1 के बराबर है तो conditions जो हमने फंक्शन पे लगाई हुई हैं उनके मुताबिक f of y 1 को कितना होना चाहिए, f of y 1 must be equals to x 1 और f of y 2 must be equals to x 2। यानी अगर x 1 की इमेज अंडर g ये है तो वो इमेज फर्दर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब y 1 और y 2 a के एलिमेंट्स हैं और f जो है वो a के एलिमेंट्स को मैप करता है फर्दर, फंक्शन एक मौजूद है ना लेकर a से लेकर के b तक, तो अगर a के कोई से दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो अंडर f उनकी इमेजेस भी क्या होंगी इक्वल होंगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, बिकॉज f फ्रॉम a टू b इज ए फंक्शन।
एफ ऑफ वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टू, एफ ऑफ वाई वन एक्स वन है और एफ ऑफ वाई टू एक्स टू है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन हो गया। नाउ अब हम इस फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव कर लेते हैं। ऑन टू में क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करेंगे ए का, लेट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, टू प्रूव ये एक्स कहां से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये एक्स बी से आ रहा है। टू प्रूव एक्स बिलोंग्स टू बी, नाउ अब ये जी ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो यहां से हम स्टोरी को आगे चलाते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जी ऑफ एक्स जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो अगर जी ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो ये दोनों तरफ इफ एंड ओनली इफ दोनों डायरेक्शन हासिल हो रही है, तो यहां से आप एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जी, ये रफ वर्क में है, ठीक है, इट इंप्लाइज एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। सिंस अब वाई जो है वो ए का कोई एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो जी की जो इमेजेस हैं वो हमेशा ए में है, वाई इज इन ए और एफ जो है वो ए से बी तक एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए का कोई एलिमेंट हो, ठीक है, ए का कोई एलिमेंट हो, ठीक है, और ए से बी तक एक फंक्शन हो, तो वो ए का एलिमेंट अंडर एफ बी के अंदर जाएगा, यानी अगर वाई ए में से है और एफ ए से बी तक फंक्शन है तो ये एफ ऑफ वाई जो है मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ बी। अब एफ ऑफ वाई तो एक्स है, इसका मतलब एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो हमने साबित कर दिया कि अगर हम ए में से कोई वाई चूज करें और इस कंडीशन को सपोज करें तो वहां से एक्स कहां चला जाता है, बी के अंदर चला जाता है। सो जी इज ऑन टू, सो जी इज बाइजेक्टिव, इट इंप्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू ए, इट इंप्लाइज योर रिलेशन इज सिमेट्रिक, आपका रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट आपने इसी रिलेशन को ट्रांजिटिव शो करना है, इसी रिलेशन को ट्रांजिटिव शो करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, R is transitive. Let A, B, C belongs to stylish A. Be such that A is equivalent to B and B is equivalent to C. साबित क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि A is equivalent to C. As A is equivalent to B, it implies there exists a bijective function F from A to B. As also as B is equipotent or equivalent to C, it implies there exists a bijective function, bijective function G from B to C. अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम A से C तक एक फंक्शन डिफाइन कर दें जो कि bijective हो, तो हम अगर F और G की कंपोजिशन ले लें, G सर्कल F ले लें, बिकॉज यू ऑल नो ये आपने कंपोजिशंस पढ़ी होंगी, ये अगर एफ फंक्शन है ए से बी तक, ये अगर जी फंक्शन है बी से सी तक,
तो आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है ए से लेकर के सी तक, इसको आप क्या कह देते हो, जी सर्कल है। और ये क्या कर रहा होता है, ये ए के एलिमेंट को लिंक कर रहा होता है सी के किसी एलिमेंट से थ्रू सम प्रोसेस। यानी इसको अगर आप इस एक्स को के ऊपर अगर आप जी सर्कल एफ को लगाओ तो ये कैसे काम करेगा, यानी ये उस एक्स की इमेज अंडर एफ को अंडर जी जो है वो मैप कर देगा सी के किसी एलिमेंट में। यानी उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर इसका एलिमेंट इसका इमेज देखोगे अंडर द फंक्शन एफ, और अब जी फंक्शन क्योंकि डिफाइन है यहां सब पॉइंट्स के लिए, वो इसको मैप कर देगा यहां किसी सी के पॉइंट के ऊपर। यानी दरमियान में से बी सेट यूज कर भी रहे हैं और अपेरेंटली यूज नहीं भी हो रहा, लेकिन टेक्निकली यूज हो रहा है। तो हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डिफाइन अ फंक्शन जी सर्कल एफ फ्रॉम ए टू सी बाय जी सर्कल एफ एट एक्स इज इक्वल टू जी एट एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हेडिंग क्या होगी, जी सर्कल एफ इज 1 1, जी सर्कल एफ एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी सच दैट के ये जी सर्कल एफ के ऊपर एक्स वन और एक्स टू की जो इमेजेस हैं ये क्या है, बराबर है, ठीक हो गया। अब जी सर्कल एफ मीन्स जी एट एफ ऑफ एक्स वन और यहां पर जी एट एफ ऑफ एक्स टू। इट इंप्लाइज, अब ये जी की आप ये कह रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है जो कि अंडर जी मैप होता है किसी और पे, यानी ये जी की इनपुट है। अब जी फंक्शन क्योंकि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होने की वजह से वो 1 1 भी है, तो अगर कोई से भी दो एलिमेंट्स पे जी की इमेजेस सेम है इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम है, बिकॉज जी फंक्शन 1 1 है, बिकॉज जी इज 1 1। अब एफ फंक्शन भी 1 1 है क्योंकि एफ फंक्शन भी बाइजेक्टिव है, तो एक्स वन और एक्स टू बराबर आ गए बिकॉज एफ इज 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जी सर्कल एफ इज 1 1, जी सर्कल एफ इज 1 1। नेक्स्ट जी सर्कल एफ इज ऑन टू, ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। ऑन टू प्रूफ हो गया अगर तो ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू c क्योंकि a से c तक मैपिंग है, y belongs to c b such that g circle f at x is equals to y, यानी फंक्शन किसी इनपुट के ऊपर वैल्यू y दे रहा है, साबित करेंगे ये इनपुट डोमेन से ही आई है, टू प्रूव x belongs to कैपिटल a। अब हम यहां से आगे चलाते हैं, नाउ जी सर्कल एफ एट एक्स इज इक्वल टू वाई, जी सर्कल एफ एट एक्स की डेफिनेशन लगा देते हैं, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, अब ये वाई जो है ये सी का कोई एलिमेंट है और आपका फंक्शन जी जो है वो बी से सी तक डिफाइन है और बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होने की वजह से वो ऑन टू भी है, ठीक है। अब बी से सी तक एक मैपिंग है, ठीक है, जी और सी का कोई एलिमेंट है सी, तो अगर जी से लेकर बी से लेकर सी तक एक मैपिंग जी है और आप कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले लो तो उसके बदले में आपको यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी मिल जाना चाहिए कि वो उसके ऊपर मैप हो रहा होगा सब्जेक्शन की वजह से, इज ऑन टू। So there exist some element
एक्स वन बिलोंग्स टू बी सच दैट जी एट एक्स वन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर आप वन और टू को देखें तो इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो जी एट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी एट एक्स वन। अब फंक्शन जी वन वन फंक्शन है तो वहां से क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज ये एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स वन बिकॉज जी इज वन वन, जी इज वन वन। नाउ अब एक्स वन जो था वो बी का एलिमेंट था, एक्स वन वॉज एन एलिमेंट ऑफ बी, और आप जानते हैं कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है ए से बी तक, वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होने की वजह से ऑन टू भी है, यानी कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, बी का कोई एलिमेंट एक्स वन है, ये मैपिंग एफ है, ये सब्जेक्टिव है, तो इस एक्स वन के लिए यहां कुछ मिलना चाहिए सच दैट कि वो इसके ऊपर मैप हो रहा हो। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट सम एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट के एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन को आप थ्री कह दें और इसको फोर कह दें। अब थ्री और फोर की राइट साइड सेम है तो बाय थ्री एंड फोर इनकी लेफ्ट साइड्स भी आपस में सेम आ जाएंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। सिंस एफ इज वन वन इसका मतलब है एक्स और एक्स टू आपस में बराबर हो गए बिकॉज एफ इज वन वन। ठीक है, अब एक्स टू ए का कोई भी एलिमेंट था और एक्स टू एक्स के बराबर है, इसका मतलब एक्स वही है जो एक्स टू है और वो ए में चला गया। तो आपने काम स्टार्ट कहां से किया, आपने किसी वाई को चूज किया सी से और उसके बदले में एक एक्स यूज कर लिया ए से सच दैट कि वो एक्स उस वाई पे मैप हो रहा है, इसका मतलब ये जी सर्कल एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। इट इंप्लाइज जी सर्कल एफ इज ऑन टू, दैट इज ऑन टू भी है और वन वन पहले ही था, ये बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब है ए इज इक्विवेलेंट टू सी है, तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, रिलेशन ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव पहले ही हो चुका है, इसका मतलब है ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये वो थ्योरम जो कि एक लाइन में लिखा हुआ था, इसको हमने आधे घंटे में तमाम तर डिटेल्स के साथ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ किया है। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।